मोटरसाइकिल वालों को कभी टोल टैक्स क्यों नहीं भरना पड़ता? और क्या होगा जब दो सांप एक दूसरे को ही काट ले, तो क्या दोनों की मौत हो जाएगी? और डिस्क ब्रेक्स में ये होल क्यों दिए जाते हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ एकदम अंत तक। नंबर वन, गाड़ी चलाने वालों के लिए पेट्रोल के बढ़ते दामों के बाद दूसरी बड़ी समस्या है ये टोल टैक्स, जिसका जेब पर पड़ने वाले एक्स्ट्रा बोझ का दर्द सिर्फ एक कार ओनर ही समझ सकता है। लेकिन दिल तो तब भी और ज्यादा दुखता है जब ये बाइक्स टोल में लगी लंबी लाइंस में से कट मारते हुए बिना टोल भरे मुफ्त में ही निकल जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर इन बाइक वालों को देश के किसी भी हाईवे पर टोल क्यों नहीं भरना होता? आप ये तो जानते ही होंगे कि टोल टैक्स के कलेक्शन इन सभी हाईवे के कंस्ट्रक्शन पर लगे खर्च और उसकी फ्यूचर में होने वाली मेंटेनेंस के खर्च के लिए की जाती है। और ऐसे में व्हीकल जितना बड़ा और हैवी होगा, वो उस सड़क को उतना ही ज्यादा डैमेज भी करेगा। इसी वजह से बैरियर पर लगने वाला टोल व्हीकल के वजन के हिसाब से ही निर्धारित किया जाता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बाइक की, तो उसका वजन इतना कम होता है कि वो रोड को ना के बराबर ही डैमेज करती है, और साथ ही ये सड़क पर ज्यादा जगह भी नहीं घेरती। यही कारण है कि बाइक्स को टोल भरने वाले व्हीकल की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नंबर टू, दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है सांप, जिनमें से कुछ के काटने से तो किसी भी जीव की पल भर में ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तब क्या हो जब यह जहरीले सांप एक दूसरे को ही काट ले? वैसे तो एक ही प्रजाति के सांप एक दूसरे को नहीं काटते, लेकिन अगर गलती से कभी ऐसा भी हो जाए तो दोनों में एक ही कंपोजिशन का जहर होने की वजह से वो एक दूसरे का नुकसान नहीं करता। लेकिन वहीं अगर दो अलग अलग प्रजाति के सांप एक दूसरे को काट ले, तो ऐसे में जिस सांप का जहर ज्यादा जहरीला होगा वो दूसरे सांप को मार डालेगा। जैसे कि अगर कोबरा किसी पाइथन को काट ले तो पाइथन का मरना तय है, क्योंकि पाइथन के अंदर जहर ही नहीं होता। नंबर थ्री, आप सभी ने भी बाइक्स की डिस्क ब्रेक के ब्लेड में बने इन होल्स को तो देखा ही होगा, लेकिन आखिर इन होल्स का काम क्या है? कंपनीज इन ब्लैक को प्लेन क्यों नहीं बना देती, जिससे कि इसकी मजबूती में भी इजाफा हो सकता है? तो फिर इन ब्लेड्स में इन होल का क्या काम? नहीं, ऐसा नहीं है कि इन होल को बाइक्स की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, बल्कि ऐसा करने के पीछे दो मुख्य कारण जिम्मेदार है। पहला तो ये कि बाइक में बार बार ब्रेक लगाने की वजह से इसका रोटर ब्लेड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कि वो किसी भी वक्त टूट सकता है और किसी हादसे का रूप ले सकता है। लेकिन वहीं ऐसे में ये होल्स इन ब्लेड्स को जल्द से जल्द ठंडा करने में मदद करते हैं। हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर इन होल्स से कुछ सेकंड के अंदर ही निकल जाती है। और दूसरा मुख्य कारण है बारिश। बारिश की वजह से ब्रेक पैड्स गीले हो जाते हैं, और ऐसे में अगर ये ब्लेड्स प्लेन हो तो ब्लेड और ब्रेक पैड के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाने की वजह से ब्रेक लग ही नहीं पाएगी। लेकिन वहीं ये होल्स ब्रेक पैड के गीले हो जाने के बावजूद भी ग्रिप बनाने में मददगार साबित होते हैं, और साथ ही के साथ ब्रेक लग पाना मुमकिन हो पाता है। नंबर फोर, दोस्तों आपने दुनिया भर में मौजूद काफी तरह के अजीबोगरीब गेम देखे होंगे, लेकिन क्या आपने काइस क्यू नाम के इस गेम के बारे में सुना है? काइस क्यू का मतलब होता है लड़की का पीछा करना, और इस गेम को टर्किश लोगों द्वारा ही खेला जाता है। इस गेम में होता कुछ ऐसा है कि लड़कों द्वारा स्टार्टिंग लाइन पे घोड़े पर बैठकर लड़की के आने की वेट की जा रही होती है, और जैसे ही लड़की घोड़े पर बैठकर लड़के के आगे से गुजरती है तो वो उसका पीछा करने लगता है। ऐसे में अगर ये लड़का उस लड़की को फिनिशिंग लाइन से पहले ही पकड़ ले तो उस लड़के को इनाम के तौर पर लड़की से किस मिलती है। लेकिन फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने से पहले अगर वो लड़का इस काम में कामयाब न हो पाया तो उसे लड़की द्वारा चाबुक से पीटा जाता है। वैसे अगर हमारे देश में ये गेम होती तो सभी लड़के घोड़ों पर ही घूमते दिखाई देते। नंबर फाइव, आपने इंसानों को हिप्नोटाइज होते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मुर्गियों को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है? और ऐसा करने के लिए आपको किसी पेंडुलम को भी हिलाने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको चाहिए एक मुर्गा, और अब उसे एक प्लेन जगह पर लेटा दीजिए। अब उसकी आंखों के एकदम सामने चौक या फिर किसी और चीज की मदद से एकदम सीधी लाइन खींच डालिए। आप देखेंगे कि वो मुर्गा पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, और आप एक मुर्गे को हिप्नोटाइज करने में पूरी तरह सफल हो चुके हैं। लेकिन अब इसको ऐसे इसी हाल में मत छोड़ना, वरना बेचारा जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इसे जगाने के लिए आपको इसके सामने थोड़ा सा लाउड साउंड बजाना पड़ेगा, और ये फिर से होश में आ जाएगा। नंबर सिक्स, दोस्तों आपने दुनिया भर के बहुत से चोर और उनके बड़े बड़े चोरी के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा चोर दिखाने जा रहा हूँ। बात है 1976 के, जब फ्रांस में हॉलीडेज चल रहे थे, और उन हॉलीडेज के बाद जब फ्रांस के सबसे बड़े और सिक्योर बैंक को खोला गया तो पता चला कि वो पूरा बैंक पूरी तरह से खाली हो चुका है। बैंक के करीबी सभी 400 लोकर्स में से 60 मिलियन फ्रैंक की लूट की जा चुकी थी। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी, जिसे अंजाम देने वाले शख्स का नाम था अल्बर्ट स्पागियारी। इसने पूरे दो महीने लगाकर बैंक के नीचे सुरंग बना डाली और पूरा पैसा लूट लिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी चोरी के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े चोर को पकड़ा ना जा पाता अगर उसकी गर्लफ्रेंड इस बात की जानकारी पुलिस को ना देती। लेकिन फिर भी पुलिस उसे ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे ना रख सकी, और वो चोर भरे कोर्ट की खिड़की में से कूदकर भाग निकला, और उसके बाद से आज तक वो कभी भी पुलिस के हाथ ना लग सका, और ना ही उसकी कभी कोई खबर मिली। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूल।